ये शादी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। होती कौन हो तुम ये शादी रोकने वाली? आखिर क्या रिश्ता है तुम्हारा परी की बहन के साथ? मैं आज सबको एक बहुत बड़ा सच बताने जा रही हूँ, और वो सच है कि मैं ही परी, परी, परी। परिणीति सीरियल में अब तक हमने देखा था कि भाई किस तरह से यहाँ पर नीति जो है हमारी परी का एक्सीडेंट करवाती है, लेकिन एन मौके पर आकर यहाँ पर राजीव ने दोबारा से पार्वती की जान बचा ली और भाई फाइनली हमारी पार्वती दोबारा से बच गई है। तो भाई आने वाले एपिसोड में यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि भाई नीति इस बार ये शादी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। होती कौन हो तुम ये शादी रोकने वाली? आखिर क्या रिश्ता है तुम्हारा परी की बहन के साथ? मैं आज सबको पूरी तरीके से पार्वती को ब्लेम करती हुई नजर आ रही है। वो राजीव से कंप्लेन कर रही है कि मेरी ये हालत किसी और ने नहीं बल्कि पार्वती ने की है, और मैं पागल नहीं थी, जबरदस्ती उसने मुझे पागल प्रूफ किया, मुझे मेंटल हॉस्पिटल पहुंचाया और मुझे इलेक्ट्रिक शॉक्स दिलवाए। वो सारी चीजों के लिए यहाँ पर पार्वती को ब्लेम कर रही है, और यहाँ पर राजीव बताता है कि पार्वती को इतना ज्यादा तकलीफ हो रहा था तुम्हें सिचुएशन में देखकर कि वो डॉक्टर्स को रोकने की भी कोशिश कर रही थी। और इसी के साथ यहाँ पर नीति जो है बार बार अभी भी पार्वती को ही ब्लेम करती है, कहती है कि जरूर पार्वती को मुझसे कोई तो दिक्कत है जिस वजह से वो मुझसे बदला लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल राजीव जो है इस बात से साफ इनकार कर देता है और कहता है कि भाई ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है। और इसी के साथ आने वाले एपिसोड में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई जब से हमारी पार्वती यानी परी को पता चला है कि भाई बबली की शादी दलजीत से होगी, तब से बिल्कुल बौखला गई है वो। और इस बार पार्वती ने ठान लिया कि भाई वो तो ये शादी होने ही नहीं देगी, क्योंकि यहाँ पर पार्वती को और आपको भी पता है कि भाई दलजीत कैसा लड़का है, वो बिल्कुल ही बेकार लड़का है हमारी बबली के लिए, और वो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती दलजीत जैसा लड़का। इस वजह से यहाँ पर हमारी पार्वती जो है इस बार पूरी कोशिश करने वाली बबली की शादी को रोकने की। फिलहाल एपिसोड में हम देख रहे हैं कि हमारी पार्वती जो है पहुंच चुकी है परी की माँ के पास, और वो बार बार कोशिश कर रही है हमारी बबली की शादी को रोकने की। और यहाँ पर वो एक बड़ी बात का खुलासा करती है और कहती है कि इसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी भी पार्वती हमारी बबली का सपोर्ट लेती है और कहती है कि किसी से प्यार करना कुछ गलत नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमारी पार्वती को एक बड़ा शॉक लगता है जब यहाँ पर उसे देखने को मिलता है कि भाई बबली का एक MMS वायरल हो गया है, और यहाँ पर हमारी पार्वती जो है उसके पैरों तले जमीन खिसक गई है, वो बिल्कुल शॉक में आ गई है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ पार्वती ही एक ऐसी है जिसे पता है कि भाई बबली के साथ सच में गलत हुआ है, और ये जरूर नीति का ही कोई नया खेल है। और इसी के साथ आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि भाई हमारी पार्वती जो है पहुंच चुकी है बाजवा हाउस में, और वो लाख सवाल करेगी नीति से, और इस बार हमारी पार्वती जो है एड़ी चोटी का जोर लगाने वाली शादी को रोकने के लिए। तो वही आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि भाई यहाँ पर बबली और दलजीत की एंगेजमेंट पार्टी चल रही है, और यहाँ पर अब कौन सा नया खेल खेलेगी पार्वती इन दोनों की शादी को रोकने के लिए, ये देखना काफी दिलचस्प होगा।